My best advice for all of you is to make your own nutrition bar at home. So you can make one with oats, um, uh, dates, peanut butter, unsweetened, and uh, put a bit of cinnamon and uh, just push it all down, put it into a blender and put it in the fridge. Cut pieces, take them wherever you go. आज मैं सिल्फा सेटी के न्यूट्रिशन बार घर पे बनाने जा रही हूँ तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ये कैसा बनता है ये भी मैं बताऊँगी तो मैंने ओट्स को सिंपली भून लिया एक कप मैंने ओट्स लिया है इससे मैंने खुशबू आने तक भून लिया फिर उसी पैन में मैंने थोड़ा सा सीड्स डाला एक चम्मच खरबूज के बीज एक चम्मच तरबूज के बीज और एक दालचीनी का टुकड़ा ये एक इंच होगा इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया थोड़ी देर के लिए और अब हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे रोस्टेड किया हुआ ओट्स और साथ में दालचीनी दालचीनी को मैंने क्रश कर लिया था उसे डाल देंगे और मैंने यहाँ डेट्स लिए हैं डेट्स मैंने पंद्रह से सोलह लिए हैं इसके सारे सीड्स निकाल लिया है तो इसे भी डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे पीनट बटर तो पीनट बटर मैंने तीन बड़े चम्मच डाल दिया है क्योंकि हम इसमें शुगर यूज़ नहीं करेंगे स्वीटनेस के लिए मैंने डे डेट्स और पीनट बटर डाला और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया ग्राइंड करने के बाद ये यहाँ देख सकते हैं कि ये मतलब सॉफ्ट हो चुका है इसको हम बाइंडिंग करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो जा रहा है फिर मैंने एक ट्रे लिया ट्रे में घी डाल दिया दो तो चम्मच और इसे मैंने ग्रेस कर लिया अच्छे से चारों तरफ और अब हम डाल देंगे ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर और ये देखिए अच्छे से बाइंड हो जा रहा है तो इसे मैं सेट कर दे रही हूँ दबा दे रही हूँ अच्छे से और ऊपर से जो मैंने सेट भूना था रोस्ट किया था उसे मैंने डाल दिया और इसे हम भारी कोई भी चीज़ से दबा देंगे अच्छे से ताकि ये सेट हो जाए तो मुझे ये छोटा सा उखले मिला ये जो बहुत भारी है और इसी से मैंने चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया और मैंने सेट कर दिया और सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी इसे आधे घंटे के लिए आधे घंटे के बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाला और पीस में मैंने कट कर लिया और पीस में ये अच्छे से कट हो चुका था थोड़ा दर था लेकिन फिर भी ये कटिंग हो गया और जैसा कि सिल्फा जेटी ने बताया वैसे ही मैंने ये रेसिपी फॉलो करके बनाया न्यूट्रिशन बार और पीस में कट करके मैंने ट्रे में लगाया और अपने हस्बैंड को दिया और चलिए उनका फेस का है। देखते हैं कैसा होता है, खाट खाट है। करके आपको टेस्ट क्या चीज का लग रहा है ये भी बताइएगा सही सही बताइएगा मेरे हस्बैंड का फेस का एक्सप्रेशन देख के तो आप लोग समझ ही गए कैसा बना ये अच्छा नहीं लगा उनको और तो मैंने क्या किया मैंने भी टेस्ट किया मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्यों क्योंकि जो ओट्स था वो दरदरा टाइप था और सूखा था सूखा फील हो रहा था खाने में तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया पैन में सारे पीसेस को फोड़कर थोड़ा सा दूध डाल दिया और दूध में ही इसका मैं हलवा बना ली ओट्स का और इसे मैंने प्लेट में घी ग्रेस कर लिया और उसके बाद ये मिक्सचर प्लेट में सेट कर दिया और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया अच्छे से फैलाने के बाद मैंने जो रोस्ट किया था सीड्स उससे मैंने गार्निशिंग कर लिया और इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा बस गर्मा गर्म मैंने पीस में कट कर लिया और और मैंने रियांस के लंच बॉक्स में तीन पीसेस डाल दिए और अब हम लोग ने टेस्ट किया ये बहुत ही सॉफ्ट बन गया था अच्छा लगा पकाने के बाद मुझे अच्छा लगा आपको यह शिल्पा सिटी की न्यूट्रिशन बार रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा ओके बाय बाय टेक केयर